हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 7 का चैप्टर सिंपल लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इज ए मैन हैज रुपी एक्स फ्रॉम व्हिच ही स्पेंड्स रुपी 6। तो टोटल अमाउंट कितना है मैन के पास, ये मैं लिख रही हूँ। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रूपी एक्स बोला है, तो उसने खर्च कितना करा हुआ है, ही स्पेंट रूपी 6। ठीक है, फर्दर बोला है इफ ट्वाइस ऑफ द मनी लेफ्ट विद हिम इज 86। वो बात करते हैं, पहले इसी को बताओ मुझे, अगर किसी के पास एक्स रूपी है उसमें से उसने 6 खर्च कर दिए तो रिमेनिंग मनी लेफ्ट कितना होगा, अमाउंट लेफ्ट कितना होना चाहिए ये सोचना है। अगर x है उसमें से 6 खर्च कर दिए, x को 10 मान लो, अगर 10 है तो उसमें से 6 खर्च कर दिए, कितने रिमेनिंग रह गए, 4। क्या किया, माइनस, तो वही करते हैं, तो जितना उसके पास था उसमें से 6 माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो आ गया अमाउंट लेफ्ट। अब यूज क्या करना है रिलेशन में, ये पढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं इफ ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद हिम इज 86, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स द मनी लेफ्ट, ट्वाइस द मनी लेफ्ट इज इक्वल टू 86। ये क्वेश्चन बनाने को बोला है फाइंड x। अब जो मनी बची है उसके पास उसका ट्वाइस कर दें तो 86 आता है। क्या कर रहा है, टू टाइम्स मनी लेफ्ट, ये वैल्यू है x माइनस 6 इज इक्वल टू 86। सॉल्यूशन करते हैं, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 86। ठीक है, नीचे नीचे करते जाना है, सामने सामने कर रही हूँ। 2x इज इक्वल टू 86 प्लस 12 which gives x is equals to 98 upon 2 which is 49. Answer is 49 rupees. Uska kitne rupees hai, 49. Next kar rahe hain question number 13. A man is, do logo ki age ki baat kar rahe hain, man ki aur son ki. To bol rahe hain, a man is 4 times as old as his son. To man ki age kis pe depend kar rahi hai, son ke upar. Theek hai, मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो सन की एज पे डिपेंड कर रहे थे, सन को एक्स मान लेते हैं, सन्स एज लिख लेते हैं, प्रॉपर लिखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है प्रॉपर होनी चाहिए, सन्स एज भी एक्स ही हमने मान लिया। अब मैन का क्या है, मैन की एज कितनी है, मैन एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई एज ऑफ सन इज एक्स, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में। आफ्टर 20 ईयर्स He will be twice old as his son. तो वो तो बात की बात है, अब देखते हैं after 20 years क्या होगा, after 20 years. कुछ आइडिया है, अगर अभी एज एक की इतनी है, एक की इतनी है, 20 years बाद कितनी होगी, मैं यहाँ लिखी हूँ son's age और लिखी हूँ man's age, बताना कितनी होगी, 20 years के बाद son अभी x का है तो 20 के बाद कितना हो जाएगा, x plus 20। याद रखते हैं मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, अपनी एज के लिए करके देखो, अगर अभी जितनी भी तुम्हारी एज है उसमें कुछ है 20 इयर्स बाद कितने हो गए तो 20 प्लस का हो गया ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैन की कितनी हो जाएगी, मैन की अभी है 4x, 20 इयर्स बाद प्लस 20। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में रिलेशन इसका बनाना होता है। अब ये किसी, ये स्टेटमेंट किसी काम की नहीं है हमारे लिए, बस अब रियल स्टेटमेंट से वर्क करते हैं। बोल रहे हैं आगे फाइंड, ओके ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, इस टाइम में आफ्टर 20 इयर्स क्या होगा, मैन विल बी ट्वाइस मींस टू टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ये रिलेशन है। 20 साल बाद क्या होगा, मैन की एज सन के डबल हो जाएगी, ये हो रहा है। तो 20 साल बाद मैन की एज है 4x प्लस 20, क्या हो जाएगी, इस सन की एज की डबल हो जाएगी, सन की एज होगी x प्लस 20 उसका डबल। 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 40, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 20, सो 2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 10, ये रिलेशन को दिमाग में आने चाहिए। तो हमारे पास एज आ गई x 10, x की एज थी सन की, तो सन की एज तो हमारे पास आ गई 10 इयर्स, फादर की कितनी हो जाएगी, फादर की कितनी थी यहां पर देखना है, 4 टाइम्स x, तो 4 इंटू 10 40 इयर्स, वैल्यूज पुट करनी है लास्ट में दोबारा से, समझ के पढ़ना है। ठीक है, इजी है, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच इज
इफ फाइव इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मैं लिख रही हूँ सोल्यूशन, फाइव इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्री टाइम्स एन अबो रिजल्ट इज, रिजल्ट कितना आ रहा है 16, फाइंड द नंबर. ठीक है, इजी सा है. लेट द नंबर बी एक्स, ये तो सब में आ गया है. 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, तो 3 टाइम्स अ नंबर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स नंबर. ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वाला हमेशा पहले होता है. सब्ट्रैक्टेड मींस माइनस करना है, किसे करना है 5 को. रिजल्ट मींस इक्वल 16. बन गई क्वेश्चन, सॉल्व करना है. 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 16. पॉज करके तो खुद कर सकते हो फटाफट, सॉल्यूशन है इजी सा. 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 5. So x is equals 21 upon 3, which is equals to 7. So the required number is 7. Next कर रहे हैं question number 15. 15 is find 3 consecutive natural numbers such that sum of the first and second is 15 more than the third. Relation अलग सा दे दिया है, तो पहले तो numbers ही लिखते हैं. Let the 3 consecutive natural numbers बोले. Natural numbers बोलते हैं क्या होते हैं? कहां से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं. काउंटिंग नंबर जो काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे रोल नंबर्स भी हो रहे हैं स्कूल में, रोल नंबर्स होते हैं ना, कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से. नेचुरल नंबर होते हैं नंबर्स जो भी काउंटिंग नंबर्स है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो रहा है. अगेन पहले वाली की तरह करने हैं. अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा? x 1 है. 1 के बाद दूसरा नेचुरल नंबर क्या होता है? 2. उसके बाद 3. कंसेक्यूटिव मींस एक के बाद एक आने वाले, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं. तो 3 कंजक्टिव नेचुरल नंबर, अगर एक x है तो दूसरा क्या होता है? x में एक और ऐड कर देते हैं. फिर नेक्स्ट क्या होता है? प्रीवियस में फिर एक और ऐड कर देते हैं. x में इसमें एक और ऐड कर दिया तो x प्लस 2. ठीक है, कंजक्टिव नंबर्स डायरेक्ट 1 2 ऐड कर रहे हैं और नंबर्स में इवन नंबर्स ऐड करते हैं. अब रिलेशन समझते हैं. रिलेशन क्या हो रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं इसे ऐसे लिखती हूँ, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, ये हो रहा है सम ऑफ, ये नहीं लगेगा. ठीक है, ये ऑलरेडी रोमन है इसमें नहीं लगता है. सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड दो नंबर्स को ऐड कर दें इज 15 मोर देन द थर्ड. ये क्या है? बड़ा है थर्ड से. कितना बड़ा है? बाय 15. 15 का डिफरेंस है. तो ये बहुत ही इजी होता है. अगर ये दो इससे बड़े हैं तो कह सकते हैं हमसे, अपने लिखते हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड जो है उसमें से अगर थर्ड को माइनस कर दें तो कितना आ रहा है? 15 से डिफरेंस. ठीक है, ये दोनों का सम थर्ड से 15 जाता है. ये यूज किया है, वैल्यू शूट करते हैं. ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये करने का नहीं है, समझने का था बस. तो सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स दैट मींस दिस प्लस दिस इज 15 मोर देन दिस, यानी इन दोनों में से अगर थर्ड को हटा दें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 15 का. सॉल्व करते हैं. एक्स प्लस एक्स विल बी 2x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 15. अब इसे सॉल्व कर रहे हैं. 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 प्लस 1 जाके माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा नेगेटिव 2. सो x इज इक्वल टू 15, 16, 17 माइनस 1, 16. अगर x 16 है तो नंबर्स आर, एक पर 16 है तो 16 के बाद प्लस 1 17 प्लस 2 18. रिक्वायर्ड नंबर्स आर 16, 17 एंड 18. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, which is the difference between two numbers is 7. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जितना समझ आए ना उतना लिख लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए. डिफरेंस इज 7, इतना बोला. अब बोला है 6 टाइम्स द स्मॉलर प्लस द लार्जर इज 17. रिलेशन है 6 टाइम्स स्मॉलर, वैल्यू का प्रूव करेंगे. ठीक है, जो गिवन है मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिख रही हूँ, प्लस द लार्जर. ठीक है, 10 के पढ़ दिया स्पेस के लिए इस 77, ये रिलेशन बोला हुआ है. तो अब क्या करते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, स्मॉल नंबर एक्स हो गया, 6 टाइम्स द स्मॉलर प्लस लार्जर इस 77. तो लार्जर कितना हो जाएगा? लार्जर नंबर बी, डिफरेंस देखो 7 था, अभी ये छोड़ दो, ये लाइन यूज नहीं कर रहे हैं. क्या बोला है? दो नंबर का डिफरेंस 7 है, उनमें से अगर एक नंबर x है दूसरा क्या होगा पहले ये निकालते हैं.
नहीं समझ आ रहा है, दोबारा करती हूँ मैं। लेट द स्मॉलर नंबर भी एक्स की जगह अगर मैं बोलूं टेन, ठीक है, दो नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस है सेवन, दोनों में से छोटा वाला नंबर टेन है तो बड़ा वाला कितना होगा, दो नंबर छोटा वाला टेन है तो बड़ा वाला कितना होगा अगर दोनों का डिफरेंस सेवन, ऐड कर लेंगे ना डायरेक्ट, एक टेन होगा तो एक प्लस सेवन कर लेंगे, सेवेंटी डिफरेंस के हिसाब से बना लिया, ठीक है। यहाँ पे यही हम बना रहे हैं, लार्जर नंबर कितना हो जाएगा जितना छोटा है प्लस जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है, तो ये तो आ हमारे पास आ गए नंबर। अब करते हैं सिक्स टाइम्स द स्मॉलर नंबर, सिक्स टाइम्स एक्स प्लस लार्जर एक्स प्लस सेवन इज सेवेंटी सेवन, ये बन रहा है सेवन एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी सेवन माइनस सेवन, सेवन एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी अपॉन सेवन विच इज टेन। हमें बोलता है फाइंड बोथ नंबर्स, तो यही आ गया, तो एक नंबर टेन आ गया, दूसरा नंबर कितना आ जाएगा आंसर में, एक टेन है दूसरा सेवनटीन आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे माने बस ये आना चाहिए। एक और सोचो, अगर डिफरेंस मैं बोल रही हूँ दो नंबर का सिक्स है या सिक्स में डाउ, बड़ा नंबर लेते हैं ट्वेंटी है डिफरेंस, उनमें से एक नंबर जो है छोटा वाला वो थर्टी है, तो बड़ा नंबर कितना होना चाहिए, दो नंबर जिनका डिफरेंस ट्वेंटी है उनमें से छोटा नंबर थर्टी है तो बड़ा कितना होगा, प्लस करके देख लिया ट्वेंटी, यही हमने यहाँ पे भी किया, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स इट्स ब्रेथ, लेंथ क्या कर रही है मैं बता रही हूँ, एक्सीड कर रही है ब्रेथ से, यानी लेंथ बड़ी है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज, जो समझ आ रहा है वो लिख देते हैं, पेरीमीटर की वैल्यू समझ आ रही है क्वेश्चन में हमें, पेरीमीटर इज इक्वल टू 142 मीटर्स, फाइंड दी लेंथ एंड दी ब्रेथ, बोला है लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 5, लेंथ मैंने लिखी रहती पूरा एक्सीड्स एल यूज किया है ब्रेथ बाय 5, लेंथ क्या है बड़ी है, कितनी बड़ी है ब्रेथ से 5 ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ब्रेथ की वैल्यू में एक्स ले रही हूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ क्या है 5 ज्यादा है तो ब्रेथ प्लस 5, ये तो करेंगे लेंथ जो है वो ब्रेथ से 5 बढ़ के तो एक्स प्लस 5 हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी, वैल्यू पुट करते हैं ट्वाइस एल की जगह मैं लिखती हूँ एक्स प्लस 5, बी की जगह एक्स और पी की जगह 142, सॉल्व करते हैं 142 इज इक्वल टू ये एक्स एन एक्स 2x हो जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं 142 यहां से रब करके यहां सॉल्व करते हैं, नाउ 142 इज इक्वल टू 4x प्लस 10, सो 4x इज इक्वल टू 142 माइनस 10, x इज इक्वल टू 132 अपॉन 4, सॉल्व करते हैं 4 3 टाइम्स 12, 4 3 टाइम्स 12, तो लेंथ ब्रेथ हमारी आ गई 33, एन की वैल्यू आ गई है 33, बी की वैल्यू ब्रेथ आ गई है 33 यूनिट मीटर लगा देते हैं, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 5 जा रहा है तो 33 प्लस 5 इज 38, दोनों में यूनिट लगेगी 35 मीटर एंड 38 मीटर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, ये अलग क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला है, अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, और क्या बोला है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन, इस बार क्या है न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर ज्यादा है कितना कम है ये देखते हैं, न्यूमरेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 4 कम है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हुआ ना, तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। न्यूमरेटर एन लिख यू एन आर इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से 4 कम है, किस पे डिपेंड कर रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, तो लेट द डिनोमिनेटर बी x, डिनोमिनेटर x मान लिया है तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर से 4 कम था 4 लेस तो x माइनस 4, ये रिलेशन बनाना आना चाहिए, इससे काम चल जाता है, ठीक है। फर्दर बोल रहे हैं अच्छा इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देख सकते हैं। अब बोला है इफ 1 इज एडेड टू बोथ, इसमें भी 1 ऐड करें और इसमें भी 1 ऐड करें, द फ्रैक्शन बिकम्स 1 बाय 2, फ्रैक्शन जो है 1 अपॉन 2 बन रहा है,
ये कर दिया बस, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय टू। दोनों साइड फ्रैक्शन होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ट्वाइस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय वन चल रहा है। दिस इज टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस सिक्स, ठीक है। ये अभी पूछ रहे हैं ये कहां से आया है, ये कहां से आया, ये सब कहां से आ रहे हैं पहले पढ़ चुके हैं। x इज इक्वल टू सेवन, x क्या था डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर तो आ गया सेवन, डिनोमिनेटर से फोर कम था तो x माइनस फोर को भी सेवन माइनस फोर लिख दो, थ्री आ रहे हैं। फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर थ्री अपॉन सेवन, ये हमारा आंसर है, ये हमारा फ्रैक्शन बना है। कैसे आया इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू थी, x हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माना हुआ था, डिनोमिनेटर x था और न्यूमरेटर क्या था डिनोमिनेटर से चार कम था, तो ये सेवन है, चार कम करके देखिए। नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन इज ट्राइस एज ओल्ड एज द सन। फिर से मैन का एज वाला आ गया क्वेश्चन, क्या हो रहा है क्वेश्चन दोबारा से ध्यान से समझते हैं। अ मैन इज ट्राइस एज ओल्ड एज द सन, तो मैन की एज किस पे डिपेंड कर रही है, सन पे। क्या करना पड़ेगा, सन की एज को मानना पड़ेगा x, सन्स एज इज इक्वल टू x, मैन की कितनी हो गई, मैन एज, मैन इज थ्राइस ओल्ड एज इज सन, थ्री टाइम्स x, मैन कितना है सन के थ्राइस ओल्ड है, थ्री टाइम्स ओल्ड है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। आफ्टर 12 इयर्स, फिर आफ्टर वाला आ रहा है कितनी होनी चाहिए एज, ये तो पता ही है। आफ्टर 12 इयर्स सन की एज कितनी हो जाएगी और मैन की कितनी हो जाएगी, ये लिखना है। इसके बाद इनका रिलेशन बनाना है, मेंस एज, अगर बेटा अभी एक्स का है तो वो भी एक्स के हो तो 12 साल और कितने के हो गए, एक्स प्लस 12। सिमिलरली मैन की बात करते हैं, मैन अभी 3x का है तो 3x प्लस 12 में होगा, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं, आफ्टर 12 ईयर ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन, आफ्टर 12 ईयर क्या होगा, मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, ये हो जाएगा, मैन सन की एज का डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ये रिलेशन में वैल्यू पुट करते हैं, एम की एज कितनी है 3x प्लस 12 इज इक्वल टू ट्वाइस, सन की एज कितनी है x प्लस 12, वैल्यूज पुट करिए इस रिलेशन में। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, थोड़े साल बाद ऐसा हो जाएगा फिर उनका रिलेशन ऐसा हो जाएगा, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 24, 3x minus 2x is equals to 24 minus 12, x is equals to 12, x 12 आ गया, x क्या था, x था सन की एज, तो सन्स एज हमारे पास आंसर में आ रहा है 12 years, अगर सन 12 साल का है तो मैन की एज कितनी हो जाएगी, मैन की एज क्या रिलेशन क्या था, सन का थ्राइस था, दैट इज 3 times 12, दिस इज 36 years, ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 20, ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस वाले क्वेश्चन में। अ सम ऑफ 500, सम पता चल गया दैट मींस टोटल अमाउंट कितना है, जितना समझ आएगा ना पता करते रहते हैं, 500 रुपीज है, ठीक है। ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 5 रुपी एंड 10, 500 रुपीज है बट किस किसके नोट है, नोट है 5 रुपी के, ठीक है, ऐसे बना देते हैं समझने के लिए, और किसके नोट है, और है 10 रुपी के नोट, 5 रुपी के नोट और 10 रुपी के नोट है, और सारा काउंट करें तो कितने हो रहे हैं, रुपी कितने हो रहे हैं, 500 हो रहे हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90, तो टोटल नोट्स कितने हैं, टोटल नोट्स इज इक्वल टू 90, फाइंड द नोट्स ऑफ ईच टाइप, ठीक है। अब दोबारा समझते हैं, कुछ 5 के नोट हैं, कुछ 10 के नोट हैं, अगर मनी काउंट करें टोटल कितनी हो रही है तो 500 है, नोट्स काउंट करें कितने हैं तो नोट्स 90। रिलेशन समझते हैं, कैसे कर सकते हैं, 5 के और 10 के नोट्स मिला के 90 है, ठीक है। अगर 5 के 40 नोट्स है, मैंने मान लिया, तो 10 के कितने रह गए, टोटल 90 में से 5 के 40 है, तो 10 के कितने हो गए, 90 माइनस 40 50 हो गए, 50 प्लस 40 90 बन रहे हैं। और अगर मैं मानू, अगर 5 के उसके पास 20 नोट्स हैं, तो 10 के कितने हो जाएंगे, 70 नोट्स, ये नोट्स हो रहे हैं, ठीक है, अमाउंट नहीं है। क्या करते हैं, लेट दी 10 रुपी नोट्स बी, ये 10 की जगह 5 को असम कर लेते हैं, लेट दी 5 रुपी नोट्स बी एक्स,
ठीक है, अब अगर ये x है तो ये बाकी कितने हो जाएंगे, देन रूपी 10 नोट्स कितने होंगे, टोटल 90 है, 90 में से ये 5 वाले हटा देते हैं, माइनस x, ये तो हमारे पास आ गया x और x की टर्म्स में 5 और 10 रूपी के नंबर ऑफ नोट्स। अब है अमाउंट 500। देखो अब कैसे कर सकते हैं ये और समझना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं कुछ सोचना है, ठीक है क्वेश्चन में नहीं है, 5 और 10 के नोट्स हैं, बस इस तरीके से है नोट की सम 50 बन रहा है, ठीक है, और मैं बोल दूं कि जो 10 के नोट है वो 3 नोट्स हैं, तो बताओ 5 के कितने होंगे, कुछ नोट हैं 5 और 10 के, काउंट करने में 50 रुपी बन रहे हैं, 10 के 3 नोट्स हैं तो 5 के कितने नोट्स होंगे, क्या करके देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अमाउंट कितना बन रहा है, 10 के 3 नोट्स कितने रुपये बन जाएंगे, 30 रुपये, टोटल 50 है, 50 में से 30 तो 10 वाले ही हो गए, तो कितने रह गए, 20 रुपये रह गए, तो 5 के कितने नोट 20 बनाते हैं, 5 के 4 नोट्स होने चाहिए, 20 बनाए, ठीक है, तो क्या करते हैं डिनोमिनेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ नोट्स से ताकि अमाउंट बने, 10 के 3 नोट्स 30 बना रहे हैं, 5 के 4 नोट्स 20 बना रहे हैं, ऐसे ही इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 के x नोट प्लस 10 के 90 माइनस x नोट्स कितना बना रहे हैं, 500 बना रहे हैं, ठीक है, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर और डिनोमिनेशन को मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया 5x प्लस 900 माइनस 10x इज इक्वल टू 500, सॉल्व करते हैं, 5x माइनस 10x इज इक्वल टू 500 माइनस 900, दिस विल बी 400 एंड दिस इज 5x, x की वैल्यू आ गई 400 अपॉन 5 दैट इज 5 8 टाइम्स एंड 0, x तो आ गया 18, x क्या था हमारे पास, x था 5 के नोट, तो 5 के नोट तो हमारे पास 18 है, 18 नोट्स, 10 के नोट्स कितने हुए, टोटल कितने थे नोट्स, 90 थे, 5 के 80 हो गए तो 10 के कितने रह गए, 10 नोट्स, ठीक है, चेक करने के लिए सही किया है या नहीं, अमाउंट 500 बनना चाहिए, बना के देख लेते हैं, 10 के 10 नोट्स कितना सम बनाएंगे, 100, और 5 के 80 नोट्स मतलब कितने रुपए हो जाएंगे, 5 4 चाहिए 400, तो 400 एंड 100 इज 500, आंसर करेक्ट है।